तो मेरे दोस्तों मैं आपको ले जाता हूँ मदीने के बाजार में। मेरे दोस्तों सुबह का वक्त है भाई, कौन सा वक्त है? सुबह का वक्त है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु मदीने के बाजार में, कह दो सुभान अल्लाह। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु सुबह सुबह मदीने के बाजार में, भाई सुबह सुबह मदीने के, अब सुन, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु मदीने के बाजार में मुलाकात हो गई। भाई बाजार में दोस्तों से मुलाकात होती कि नहीं होती? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु सुबह सुबह मदीने के बाजार में सामने देखा एक सहाबी आ रहे। ओहो मेरे दोस्तों बड़े प्यारे सहाबी, कौन? हजरत अबू बकर। देखो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, मेरा साथ दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक, इसे का वाक्य लंबा है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु यहाँ से, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अनु वहाँ से, भाई दोनों की बाजार में मुलाकात हो गई। अब दोस्त थे भाई, दोस्त थे, यार थे, और इन दोस्ती से बढ़कर तो कोई दोस्ती भी नहीं होगी, इनकी याराना से बढ़कर कोई याराना नहीं होगा। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अनु ने हंसते हंसते पूछा कि उमर सुबह सुबह फिर सूख बाजार में, अरे सुबह सुबह बाजार में। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु ने कहा कि मैंने सोचा कि चलो आज सुबह सुबह बाजार चला जाऊं, जो कुछ अच्छा मिल जाए तो ले लूं। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अनु ने क्या कहा, चले काम करे मछली खरीद ले। क्या खरीदे मेरे दोस्तों? हमारे यहाँ मछली खरीदना कोई नवाई की बात, लेकिन सहाबा किराम क्या मछली, हाँ ये कभी कभार नसीब होता। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अनु ने कहा चल मछली खरीद ले। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु ने जवाब में क्या कहा, अरे कैसे खरीदे, मेरे जेब में इतने पैसे नहीं, मेरे जेब में इतने पैसे नहीं कि मैं मछली। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने बड़े प्यार मोहब्बत से कहा चल तो सही मछली खरीदते, आधा पैसा तू दे दे, आधा पैसा मैं दे दूँ, आधी मछली तू घर ले जा, आधी मछली मैं घर ले जाऊँ। अरे न खाने से तो आधा खाना। अच्छा गए, माशाल्लाह एक मछली मिल गई। हजरत अबू बकर ने आधे पैसे, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने आधे पैसे। हजरत अबू बकर तो इंसाफ करने वाले, भाई इनसे बढ़कर कोई इंसाफ करने वाला होगा? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने मछली के दो हिस्से कर दिए, आधा हिस्सा अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने अपनी ठेली में रखा और आधा हिस्सा किसकी ठेली में? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की ठेली में रखा। और मेरे दोस्तों याद रखना, हजरत अबू बकर अपने घर की तरफ चले, हजरत उमर अपने घर की तरफ चले। और आज भी एक किताब है तारीखुल मदीनतुल मुनव्वरा, एक किताब है तारीखुल मदीनतुल मुनव्वरा, 22 जिल्दों में, कितनी जिल्दों में? 22 जिल्दों में। उसमें लिखा है कि उस जमाने में हजरत अबू बकर का घर और हजरत उमर का घर आज के जमाने के एतबार से 2.5 किलोमीटर का फासला था, 2.5 किलोमीटर, मतलब बहुत दूर रहते थे। 2.5 किलोमीटर तो अच्छा खासा हो गया। हजरत अबू बकर कहीं रहते, हजरत उमर कहीं रहते। खैर मेरे दोस्तों चले, हजरत अबू बकर अपने घर में गए, हजरत उमर अपने घर में गए। अब आप ही बताओ, हजरत उमर जब अपने घर में गए तो मछली किसको दी होगी? अरे घर में किसको दी होगी? बीवी को दी होगी। और उस वक्त हजरत उमर की बीवी का नाम भी किताबों में लिखा, हजरत आतिका रजी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत उमर की बीवी का नाम क्या? हजरत आतिका। तो उन्होंने अपनी बीवी को दे दिया, भाई बीवी को दे दिया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने अपनी बीवी को दे दिया। और एक बात बता दूँ, हम लोगों के यहाँ खाने का सिस्टम बड़ा अजीब है, उनके यहाँ खाने का सिस्टम बड़ा अजीब था। उनके खाने का सिस्टम क्या था भाई? सुबह में जो खाया खाया, दोपहर में कुछ नहीं, अब सीधे ईशा के बाद खाना या मगरिब के बाद खाना, कभी मगरिब के बाद खाना तो कभी ईशा के बाद खाना, दरमियान में खाते। वो हमारी तरह नहीं था कि सुबह में चाय पिया 10 बजे फिर चाय चाहिए, शाम को 4 बजे फिर चाय के साथ कुछ और चाहिए, फिर दोपहर में खाना और मगरिब के बाद खाना और ईशा के बाद खाना। हमारा तो ऐसा लगता कि ये पेट नहीं मुर्गी का कब्रिस्तान है भाई, हमारा तो खाना बड़ा अजीब खाना होता। अब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु ने मछली दे दी हजरत आतिका अपनी बीवी को, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अनु ने भी मछली अपने घर वाले को, घर की औरतों को दे दिया और चले। अब इनका काम क्या था वो सुनना। हजरत उमर, भाई हम भी तो यही करेंगे ना, बाजार से आएंगे तो किसको ठेली दे देंगे? ओ जोहापुरा वालों, किसको ठेली देंगे? आपके चेहरे से लगता है आप लोग पकाते हो। अरे बीवी को दे देंगे ना, हजरत उमर ने भी दे दिया, हजरत अबू बकर ने भी। और इनका काम क्या था? इनका काम ये था कि अब काम पड़ जाते थे, हजरत उमर भी कपड़े की तिजारत करते थे, हजरत अबू बकर भी कपड़े की तिजारत, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु भी कपड़े की तिजारत करते, हजरत अबू बकर भी कपड़े की तिजारत करते, लेकिन डिवाइड, कुछ वक्त कपड़े की तिजारत होगी और कुछ वक्त हम उम्मत के लोगों के पास जाके नबी के दरबार में बुलाएंगे, अल्लाह के साथ अल्लाह के बंदों को मिलाएंगे। कहो अल्लाह के साथ अल्लाह के बंदों को। भाई ये भी तो बहुत बड़ी इबादत है ना, बल्कि सारी इबादतों में सबसे बड़ी इबादत ये, अल्लाह के बंदों को अल्लाह के साथ मिला दे, ये दावत का काम कर ले। अल्लाह ताला ये काम करने की सबको तौफीक अता फरमाए। तो खैर मेरे दोस्तों बात क्या चल रही थी, हजरत अबू बकर भी अपने काम में लग गए, हजरत उमर भी अपने काम में, करते कराते ईशा का वक्त, कौन सा वक्त? ईशा, ईशा की नमाज हो गई। जैसे ईशा की नमाज हो गई, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु मस्जिद नबवी से निकल रहे, हजरत अबू बकर भी मस्जिद से बाहर आ रहे, फिर दोनों दोस्तों की मुलाकात हो गई। तो हजरत अबू बकर ने मुस्कुराते मुस्कुराते कहा उमर जा घर पर जल्दी जा, आज तो मछली पकी होगी, आज तो मछली। तो उमर ने भी हंसते हंसते कहा अकेले थोड़ी खाऊंगा, तू भी तो घर में आज मछली खाएगा। अरे भाई तेरे घर में भी तो आधी मछली, मेरे घर में आधी मछली, तुम भी मछली। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अनु अपने घर की तरफ, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु अपने घर की तरफ। मेरे दोस्तों तवज्जो के साथ सुनना, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु अपने घर की तरफ आए, दरवाजा खिटखिटाया, घर के अंदर दाखिल हुए। और भूख लगी होगी कि नहीं लगी होगी? और उमर जैसा मेरे दोस्तों मर्द मुजाहिद, मजबूत पहाड़। अरे उमर तो मजबूत पहाड़ था कि नहीं था? अरे कहो ना, ईमान का मजबूत,
और जवानी भाई, जवानी और ईमान और रूहानियत और मजबूताई, ओ हज़रत उमर का मुकाबला कौन करे? अरे हज़रत उमर का कोई मुकाबला कर सकता? तो बताओ, जो जितना मजबूत होगा उसको भूख भी तो ज़्यादा लगती होगी ना? अरे लगती होगी कि नहीं लगती होगी? अब हम लोग भी तो मजबूत बनने की बड़ी फिक्र करते हैं भाई, हम लोग भी तो मजबूत बनने की बड़ी फिक्र करते हैं। हमारे जवानों को देखो, जिम में जाते हैं। अरे जिम में जाते कि नहीं जाते? एक तरफ मजबूत बनता है जिम में जाके, और अपने घर में आता, ड्रेसिंग रूम में आता तो चेहरे पे फेयर एंड लवली लगाता है, है ना? ये भी क्रीम लगाता है कि मैं बहुत खूबसूरत दिखता हूँ। अब मेरे दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर में आए, घर में आए, फौरन घर में आने के साथ ही अपनी बीवी को कहा, दस्तरखान बिछाओ, बहुत भूख लगी, इसलिए कि वो मछली याद आ रही। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, फौरन बीवी ने दस्तरखान बिछाया, लेकिन दस्तरखान जब बिछा तो हज़रत उमर ने पूरे दस्तरखान पर देखा, मछली नहीं। अरे कहो मछली नहीं, वही सूखी दाल रोटी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन अपनी बीवी को कहा, माँ बालू समक, फौरन पूछा, माँ बालू समक, व्हाट हैपेंड अबाउट फिश? अरे मछली का क्या हो गया? अरे सुबह मछली लेकर आया था, वो मछली दस्तरखान पर नजर नहीं आती। अब वो बीवी हजरत आतिका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिचारी अल्लाह की वलिया, वो भी साहबिया, कहने लगी, उमर फारूक को कहा, अरे मेरे शोहर, मेरे सरताज, अभी मछली के बारे में कुछ मत पूछो, जो है वो खा लो, पहले पेट भर लो, उसके बाद मैं तुमको मछली की दास्तान बताऊंगी। ओ उमर का पारा, उमर के गुस्से को कोई बर्दाश्त कर सके? अरे हजरत उमर का पारा, टेम्पर एकदम गर्म, खड़े हो गए दस्तरखान पर, खड़े हो गए और कहा, कसम अल्लाह की, एक लुकमा खाऊंगा नहीं, एक कतरा पानी का पीऊंगा नहीं, पहले मछली की दास्तान बताओ, पहले मछली की दास्तान बताओ, वरना खाऊंगा भी नहीं, पीऊंगा भी नहीं। फिर कसम खाई, अल्लाह की कसम, जब तक मछली का मसला हल नहीं होगा मैं ना खाऊंगा ना पीऊंगा। वो बीवी ने बहुत समझाया, लेकिन ये तो कसम खा ली। अब बीवी हजरत आतिका क्या करे, करे तो क्या करे, उमर का जलाल, उमर का रौब, दबदबा। वो हजरत आतिका ने कहा कि सही बात यह है कि तुम मछली सुबह में लाए। कब लाए? मैंने सुबह से लेकर दोपहर, दोपहर से लेकर शाम, शाम से लेकर अब तक मैंने मछली को पकाया, तपाया, गरम तेल में रखा, तवे पर रखा, तन्नूर पर रखा, लेकिन मछली न पकती है, न गर्म होती है, न तली जाती है, न सेके जाती है, बल्कि जब जब मैं उसको आग पर रखती हूँ एक नूर निकलता है, जो निकलता है ज़मीन से और पहुँचता है आसमान पर। हज़रत उमर को समझ में नहीं आया कि मछली नहीं पकी, और वो भी कितनी, पूरी की आधी, अरे कितनी। हज़रत उमर तो बड़े गुस्से हुए अपनी बीवी आतिका पर, अरे ये क्या बात हो गई, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, और अभी तक तेरे से एक आधी मछली नहीं पकी। हज़रत उमर ने कहा, हाथी भी समक ला, मछली मुझको दे, हाथी भी समक मछली मुझको दे, मैं उसको पकाऊंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कमरे के अंदर गए, और वहाँ बड़ा तन्नूर था, बस आग लगाई, बस जैसे नीचे आग लगाई धुआं उठने लगा, गरम गरम तवे को रखा, तवे को बिल्कुल गरम कर दिया, उसके बाद में मछली को रखा। अब मछली को कभी इधर पलटा, कभी उधर पलटा, कभी इधर पलटा, कभी उधर पलटा, अरे मछली को पलटाते गए, पलटाते गए, पलटाते गए, लेकिन उमर फारूक फरमाते, उमर जैसा उमर थक गया, लेकिन मछली के ऊपर एक काला धब्बा भी नहीं आया। मछली के ऊपर एक, हज़रत उमर भी देखते थे नूर उठता है, आसमान की तरफ जाता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला थक गए भाई, थक गए, इसलिए कि नीचे धुआं देखो तो निकल रहा भाई, धुआं निकल रहा, और तवा देखो तो बिल्कुल गरम भाई, तवा भी गरम, नीचे धुआं भी निकल रहा, और सब कुछ गरम है, लेकिन मछली न गरम होती, न तपी, न गरम हुई, और उसके ऊपर काला निशान भी नहीं आया भाई। हज़रत उमर भी आखिर में थक गए, क्या किया सुनना, क्या किया, मछली को लिया, बीवी को कहा, वो ठेली ला जो सुबह लाया था, वो सुबह बाजार की ठेली, मछली को उसमें रखा, और बीवी को कहा, मैं जा रहा हूँ। बीवी को कहा, मैं अब बताओ मेरे दोस्त, आधी रात हो गई होगी कि नहीं हुई होगी, ईशा के बाद आए भाई, उस ज़माने में ईशा भी तो देर में होती थी ना, हाँ ईशा के बाद आए, और ईशा के बाद आने के बाद फिर ये सारा वाक्या हुआ, आधी रात हो गई होगी, ठेली लेकर चले, अपनी बीवी को कहा, मैं जा रहा हूँ। तो बीवी हजरत आतिका कहने लगी, कहाँ जा रहे हैं इंतजब, अरे कहाँ जा रहे आप, आधी रात को कहाँ जा रहे? तो कहा, तुझे क्या मालूम, मैं जा रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ अबू बकर के घर पर जा रहा हूँ। किसके घर पर जा रहा हूँ? वो बीवी ने कहा, आधी रात को किसी के घर पे जाएंगे, वो भी मछली को लेके, आधी मछली, वो भी अबू बकर के पास लेके जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, उनके अंदर ये सब तकल्लुफात नहीं थे। हजरत उमर ने कितना प्यारा जवाब दिया, अरे जाऊंगा, जाऊंगा अबू बकर के घर पे जाऊंगा, अगर जागते होंगे तो मछली का मसला हल हो जाएगा, और अगर नहीं जागते होंगे तो वापस आ जाऊंगा, वही नहीं जागते होंगे तो चले भूखे प्यासे। अरे कहो कैसे, ठेली हाथ में ली और चले, साथ में कौन, हजरत उमर, अरे जोर से कौन, हजरत उमर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने मछली को लिया, ठेली में रखा और चल पड़े, आधी रात को चल पड़े, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ, अंधेरा छाया हुआ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने फरमाते, कसम अल्लाह की, इतना अंधेरा था कि मुझे मेरा हाथ भी नजर नहीं आता था भाई, हाथ भी नजर
उस जमाने में लाइट बल्ब ट्यूबलाइट कुछ नहीं था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु चले 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 अंधेरे में चले, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु को ऐसा महसूस हुआ कि कोई आ रहा है। हजरत उमर को महसूस हुआ कि कोई नजर तो नहीं आ रहा, भाई दूर से अंधेरे में कोई आता हो तो दिखेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु को ऐसा महसूस हुआ कोई आ रहा है, लेकिन उमर तो उमर थे, कदम की आहट से समझ गए जो आ रहा है वो मेरा यार अबू बकर आ रहा है। कौन आ रहे? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु वो कदम के चलने से समझ गए। फौरन हजरत उमर ने कहा, अस्सलामु अलैकुम या अबा बकर, अबू बकर मुझे लगता तुम ही आ रहे हो। तो हजरत अबू बकर भी समझ गए, जब उमर समझ गए तो अबू बकर क्यों ना समझे। उन्होंने भी कहा, वालेकुम सलाम या उमर, सलाम सलाम जवाब हो गया, दोनों करीब आए। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अनु ने कहा, उमर ऐसा लगता मछली लेके आया। उमर ने कहा, तुझे कैसे पता? तो अबू बकर ने कहा, मैं भी तो लेके आया। तो हजरत उमर ने जानबूझकर कहा, मछली लेकर आए क्यों? तो अबू बकर ने कहा, मेरी बीवी ने सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात तपाया, गरम किया, लेकिन ये मछली गरम हुई नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो तेरे पास ही आ जाऊँ, इसलिए कि आधी टुकड़ी तेरे पास है, तेरी गरम हुई कि नहीं हुई वो भी तो मालूम करूँ। और लेकिन हजरत अबू बकर ने ये कहा कि वही दाल सूखी रोटी खा के आया हूँ, दाल सूखी रोटी खा के। हजरत उमर कहते, मैं तो कुछ बोला ही नहीं कि मैं तो कसम खा के आया हूँ, मैं तो बीवी से लड़ के आया हूँ। हजरत उमर कहते, मैं कुछ नहीं बोला, मैंने भी कहा कि रोटी का, अब सुनना रोटी का, अरे ये मछली का मामला, और वो भी कह रहे मछली का। थोड़ों खड़े, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता, मछली क्यों पकी नहीं, क्यों तपी नहीं, इसलिए आज तक हमने कितनी मछलियाँ खाई, आज ये मछली को क्या हो गया। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु बोल पड़े, क्या बोल पड़े कि चलो एक काम करते हैं, आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, भाई नबी का तो दरबार है ना, बड़े का तो दरबार है ना, चलो आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सासम के दरबार में जाए। जैसे कहा ना, नबी के पास जाए, हजरत अबू बकर की आंखों में आंसू आ गए। हजरत अबू बकर की आंखों में आंसू आए और रोते रोते कहा, नहीं नहीं नहीं, नबी के पास नहीं, आधी रात को नबी के पास जाएंगे। अरे आधी रात को नबी के तहज्जुद का वक्त, और नबी की तहज्जुद, हो अल्लाह अकबर, मेरे दोस्तों कह दो सुभान अल्लाह, हम भी तहज्जुद पढ़ते होंगे, लेकिन नबी की तहज्जुद और हमारी तहज्जुद में जमीन आसमान का फर्क है। हम तहज्जुद पढ़ते हैं जमीन पर पढ़ते, नबी फरमाते मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ तो मेरी रूह अल्लाह के अर्श पर पहुंच जाती है। अभी तो इंदर अभी युतिमुनी वयस्कीनी, मैं तो मेरे रब के पास रात गुजारता हूँ, वो मुझको खिला भी देता है, पिला भी देता है। तो मेरे दोस्तों वो तो नबी, तो हजरत अबू बकर ने कहा, नहीं नहीं नहीं, वो तहज्जुद का वक्त, वो अल्लाह से के सामने रोने धोने का वक्त, अभी नहीं जाएंगे। तो हजरत उमर कहे चलो, अबू बकर कहे, हजरत उमर ने कितना अच्छा जवाब दिया, क्या जवाब दिया, कहा अबू बकर चलो नबी के दरबार पर जाए, अगर जागते होंगे तो मछली का मसला हल करेंगे, और अगर सोते होंगे तो उनकी चौखट पर रात गुजार देंगे, इसलिए कि नबी की चौखट पर रात गुजारना भी तो इबादत है। अरे कहो ना सुभान अल्लाह, नहीं नबी की चौखट पर रात गुजारना इबादत नहीं? अरे कहो ना इबादत नहीं? हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू 18 साल तक मदीने पाक में हदीस का सबक पढ़ाया, फरमाते हैं कोई अगर मदीना आए और वापस जाने वाला हो, वो रात को तहज्जुद बेशक पढ़े, वो रात को तहज्जुद बेशक पढ़े, लेकिन तहज्जुद की थोड़ी मिकदार कम करके मेरे नबी के रोजे पर हाजिरी दे, इसलिए कि तहज्जुद तो हिंदुस्तान जाके भी पढ़ सकता, लेकिन नबी की मुबारक जियारत हिंदुस्तान में नहीं हो सकती है कि नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने क्या फरमाया, चलो जागते होंगे तो मछली का मसला हल होगा, सोते होंगे तो नबी के चौखट पर रात गुजारेंगे, अबू बकर एक रात नबी की चौखट पर गुजार दे, इससे बढ़कर भी कोई इबादत नहीं होगी। और खुद हमारे नबी ने फरमाया, हम सबको फरमाया, मंजारा कबरी वजबत अलैही शफाती, हमारे नबी ने फरमाया, ए मेरे उम्मतियों, मौका मिले मेरी कब्र पर एक बार आ जाना, मैं कयामत में तेरी सिफारिश करूंगा। बस मेरे दोस्तों, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने कहा कि चलो अब कहो भाई उमर, अबू बकर कहाँ चले नबी के, लेकिन हुआ क्या, सुनना हुआ क्या, यहाँ हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने नबी के दरबार पर जाने की तैयारी की। कहो सुभान अल्लाह, थक गए आप लोग, बंद कर दूँ तो जोर से कहो ना सुभान अल्लाह, और जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने नबी के दरबार में जाने की तैयारी की। वहां अल्लाह तबारक व तआला का मामला भी देखो, अल्लाह तआला ने हजरत जिब्राइल को हुक्म दिया, ए जिब्राइल मेरे नबी के पास चला जा और मेरे नबी को मछली की दास्तान बता दे, और मेरे नबी को कह दे कि दरवाजा खोल कर खड़े रहे, इसलिए कि अबू बकर और उमर आ रहे हैं।
अल्लाह को भी कितनी मोहब्बत होगी। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को कहा, जिब्राइल इंजिल अंजिल या जिब्राइल, ए जिब्राइल जल्दी उतर जा, नबी के दरबार में चला जा, नबी को बेदार कर दे और नबी को मछली की दास्तान बता दे और नबी को कह दे के दरवाजे पर खड़े रहे, अबू बकर और उमर आ रहे हैं और बड़े दुखे दिल के साथ आ रहे हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, हमारे नबी को खबर दी, हमारे नबी कहां पर मौजूद, यहां हजरत अबू बकर और उमर, सुनना क्या फरमाते, बहुत दिल को हिला देने वाली बात। हजरत अबू बकर हजरत उमर फरमावे के हम चलते गए, रात का सन्नाटा छाया हुआ, रात का सन्नाटा छाया हुआ, न वहां कोई बल्ब है, न कोई बिजली है, न कोई ट्यूबलाइट है। हजरत अबू बकर उमर फरमाते इतना अंधेरा, अबू बकर कहे मुझे उमर न नजर आए, उमर कहे मुझे अबू बकर न नजर आए। हम बातें करते करते चलते गए, हदीस पाक में लिखा इदरा नूरा, अचानक दोनों ने नूर को देखा, कहो इदरा नूरा, अबू बकर ने भी उजाला उजाला देखा, उमर ने भी उजाला उजाला देखा, दोनों को समझ में ना आया, पूछने लगे अभी तक तो हमारा चेहरा भी नजर नहीं आता और अभी इतना उजाला नजर आता कि मदीने के दरख्त का पत्ता भी नजर आ रहा है। चल रहे थे ना तो मदीने के जो दरख्त थे ना उसका पत्ता भी नजर आ रहा था, तो ये अचानक उजाला कैसे। अबू बकर ने कहा मुझे नहीं मालूम, उमर का मुझे नहीं मालूम। चलते गए उसी रोशनी में, उसी उजाले में चलते रहे, थोड़ा आगे चले तो पता चला वो उजाला नहीं, वो मेरे नबी दरवाजे पर खड़े और उनके चेहरे की चमक यहां तक नजर आ रही है। आपके चेहरे अनवर की चमक यहां तक नजर आ रही। हजरत आयशा फरमाती, हजरत आयशा फरमाती तुम हजरत यूसुफ की खूबसूरती क्या बयान करते, मेरे नबी का जमाल जहां आ रहा, मेरे नबी की खूबसूरती का यह आलम था कि रात को आप चेहरा बताते थे 40 कदम तक रोशनी नजर आया करती थी। था ना हमारे नबी का कमाल था कि नहीं था, अरे कहो था कि नहीं था। एक साहबी रात को मिलने आए, एक साहबी रात को मिलने आए, कुछ काम हुआ होगा, अचानक आ गए रात को, अंधेरा छाया हुआ, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आए और लिखा है कि जब आए थे उस वक्त रोशनी थी, लेकिन मालूम नहीं हमारे नबी के पास रहे 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 आधी रात हो गई, अब जाने का वक्त आया तो हमारे नबी ने कहा जाओ भाई, हमारे नबी ने कहा उस साहबी को, हमारे नबी ने कहा जाओ रात हो गई जाओ आधी रात। तो साहबी क्या कहने लगे, अल्लाह के रसूल कैसे जाऊँगा, कुछ भी नज़र नहीं आता, कहीं ठोकर खाऊँगा, अरे कोई पत्थर आएगा, कोई दरख्त होगा, कहीं ठोकर खा लूँगा, कोई जानवर आएगा, कुछ नज़र तो नहीं आता। सुनना वहाँ एक लकड़ी पड़ी थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लकड़ी उठाई, कहा ले जा। तो कहा ये छोटी लकड़ी को लेके क्या करूँगा भाई, इससे कोई जानवर को मारूँगा, अरे लकड़ी, अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जा ले जा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ले जा। तो वो साहबी कहने लगे कि लकड़ी, अरे हमारे नबी ने कहा लकड़ी को मत देख, उस हाथ को देख जिस हाथ ने तुझे दिया है। लकड़ी को क्या देखता, उस हाथ को देख जिस हाथ ने तुझे दिया। वो साहबी कहते कसम अल्लाह की मेरे नबी ने इतना कहा और वो लकड़ी ऐसी रोशन हो गई, ऐसी रोशन हो गई कि मैं जहाँ खड़ा था और जहाँ मेरा मकान था, मेरे दोस्तों आज भी लिखा कि कई कई बहुत लंबा फासला, कहते जहाँ मैं खड़ा था, जहाँ मेरा मकान था, इस लकड़ी की रोशनी से मैं मेरे मकान को देख रहा था, इस लकड़ी के उजाले से मैं मेरे मकान को देख रहा था। तो मेरे दोस्तों नबी अगर लकड़ी पर हाथ लगाए तो लकड़ी में उजाला आ जाए, तो जिसके हाथ में इतना उजाला होगा उसका चेहरा कैसा चमकता होगा। ओह कहो ना सुभान अल्लाह। अरे जो लकड़ी पर हाथ रखे तो वो लकड़ी में उजाला आ जाए, तो जिसके हाथ में उजाला होगा उसके चेहरे पर कितना उजाला होगा। और वही चेहरा हमको पसंद, कहाँ है दाढ़ी, कहाँ है कहाँ है दाढ़ी, कहाँ है दाढ़ी, नहीं रखो ना, जो रखे हैं मुबारक, अरे जो रखे हैं, और बल्कि मैं तो कहता हूँ जो रखे हैं ना वो तो अपनी दाढ़ी को रोज़ाना यूँ करे और कहे कि ये तो मेरे नबी के मोहब्बत की निशानी है, ये तो मेरे नबी के मोहब्बत की। अरे मोहब्बत करते होंगे ना आप लोग भी, दो ही करते बाकी सब फरिश्ते बैठे। अरे भाई मौली हबीब साहब ये तो मोहब्बत भी नहीं समझते, मोहब्बत की बात आई तो मेरा तो जी चाहता कि आपको लैला मजनू का वाक्या सुनाऊं। हाँ मैं तो लैला मजनू का वाक्या सुनाता और मैं नहीं सुनाता, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह उनकी किताब मसनवी फारसी में कहा जाता है कि तसव्वुफ़ की बहुत ही बेहतरीन किताब है, सिलसिले तसव्वुफ़ की बेहतरीन किताब है। उन्होंने लैला मजनू का वाक्या सुनाकर नबी की मोहब्बत के वाक्य की तरफ ले गए। सुनाऊं लैला मजनू का वाक्य, बहुत अजीब वाक्य है, लेकिन आप लोग तो मोहब्बत ही नहीं करते, आपको क्या सुनाऊं। अरे करते हो ना मोहब्बत, मोहब्बत में कुछ निशानियाँ मिलती कि नहीं मिलती, है ना, कैसा छुपा के रखता है।
हाँ छुपा के रखता, रात को यूं करके देखता, फिर वापस रख देता, फिर यूं करके देखता, फिर रख देता। हाँ कहा क्यों? कहा वो उसने भेजा है, है ना? उसने करता कि नहीं करता? हालांकि हमारी मोहब्बत का कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाने नहीं, आज ये कल, सही कि नहीं मेरे दोस्तों? और हम लोग तो मोहब्बत भी करते हैं। अभी आप लोग तो ऐसे चुप चुप बैठे हो, वरना मेरा दिल तो कहता है कि जवापुरा का जवान तो वहाँ होटले पे बैठ के ने बाकायदा दूसरे दोस्त के हाथ पे ताली बजाता, 10 दिन तक तू कुछ नहीं कर सका, ये देख ए, मिनट में करके आ गया। करता कि नहीं करता? हाँ मेरे दोस्तों, चलो तो लैला मजनू का वाक्य भी कल पे रखे। अरे ये दरूद का वाक्य तो पूरा हो जाने दो। अरे पूरा करेंगे ना इंशाल्लाह। आप लोगों को नींद आ रही शायद? भाई नींद तो नहीं आ रही ना? कहाँ तक मामला पहुँचा, कहाँ तक मामला पहुँचा? हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अनु, हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अनु फरमाते, इदरा नूरा, दोनों ने उजाला देखा, समझ में नहीं आया कौन सा उजाला। अबू बकर और उमर आगे बढ़ते गए, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद समझ में आया मेरे नबी दरवाजे पर खड़े और आपके चेहरे की चमक और दमक सामने नजर आती है। अबू बकर और उमर फरमाते, हमें पहले अपना हाथ भी नजर ना आया, लेकिन नबी के चेहरे के नूर की वजह से हमको मदीने के दरख्तों का भी नजर आ गया। हजरत अबू बकर, हजरत उमर चले नबी के पास से पहुंचे। अब दोनों हैरान, दरवाजे पर कौन खड़े आधी रात को, आकाश भाई हैरान होंगे कि नहीं होंगे? हजरत अबू बकर उमर दोनों आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल आप दरवाजे पर क्यों खड़े, या आधी रात को आप दरवाजे पर क्यों खड़े? हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, अरे पूछते हो क्यों खड़ा हो? तुम दोनों के इंतजार में खड़ा, तुम दोनों के इंतजार में, अल्लाह ने मुझे बताया तुम दोनों मेरे पास आ रहे हो तो मैं इंतजार में खड़ा हूं। अरे अबू बकर उमर खुश हो जाओ, तुम चलते हो जमीन पर और आवाज आती है आसमान पर। चलो आ गए अबू बकर उमर, बैठ गए भाई घर के अंदर। अब सुनना बहुत अजीब बात, अल्लाह के रसूल आश्रम बैठ गए, बाजू में हजरत अबू बकर, उनके बाजू में हजरत, और अल्लाह ने ऐसा बिठाया कि आज आराम भी कर रहे तो इसी तरह आराम कर रहे। अरे कहो ना सुभान अल्लाह, आज आराम भी कर रहे हैं मदीने में इसी तरह आराम कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल अबू बकर उमर, अल्लाह के रसूल अबू बकर उमर, बैठ गए। अच्छा हुआ क्या, अजीब बात भी, अल्लाह के रसूल सासम को कुछ बातें याद आ गई, अबू बकर को पूछने लगे, अबू बकर जवाब देने लगे, फिर हजरत अबू बकर कुछ पूछने लगे, हमारे नबी जवाब देने लगे, हजरत अबू बकर और हमारे नबी बातों में मशगूल हो गए। कौन बैठे थे तीसरे? उमर। वो उमर बैठे थे, वो बेचारे ऊपर नीचे परेशान हो रहे। क्यों परेशान हो रहे? कि खाया पिया, अब भूख लगी है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला करे तो क्या करे, कभी नबी का चेहरा देखे, कभी अबू बकर का, कभी नबी का, कभी अबू बकर का। हजरत उमर को बर्दाश्त नहीं हुआ, हजरत अबू बकर के पांव पर यूं हाथ मारा, यूं हाथ मारा। हजरत अबू बकर मुड़े, क्या हुआ उमर? सब बातें छोड़, पहले मछली का मामला हल कर, ये जो ठेली में मछली है पहले उसका मामला हल कर, बाकी सब बातें रह। बस इतना कहा तो हमारे नबी सासम देख गए, हमारे नबी ने कहा, उमर क्या बोल रहे हो, जरा जोर से बोलो ना, अबू बकर को आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हो, अरे मुझे भी तो सुनाओ। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कहने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन हम तो जिस मसले के लिए आए हैं वो मछली का मामला है, अगर आपका एहसान होगा पहले मछली का मामला हल करो। तो हमारे नबी ने कहा, हाँ पहले मछली का मामला हल करता, लेकिन उमर ये बता गुस्से में कसम क्यों खाया, ये बता गुस्से में कसम क्यों खाया? हजरत उमर का चेहरा कैसा हुआ होगा, क्या कहा? सदकता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप सच्चे हैं, सदकता या रसूल अल्लाह के रसूल आप सच्चे हैं, ये मेरे अंदर ये मामला हो गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, उमर अब कसम खाई है और पूरी हुई तो ठीक, नहीं हुई तो कफ़ारा देना पड़ेगा। देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता? वो कहो ना भाई, ये हम लोगों की तो आदत है बात बात में, कुछ भी हुआ होगा ना, कुछ भी हुआ होगा, हाँ दुकान पे बैठा होगा, अरे 10-12 रुपये का मामला होगा, वो बेचारा कहता होगा 10 में दे दे, तू कहता 12 में दूंगा, वो कहता 10 में दे दे, तू कहता 12 में दूंगा, आखिर में वो कहेगा अरे 10 में दे दे, तो कहेगा कसम अल्लाह की मेरे को घर में 10 की पड़ी है, खाया ना कसम अल्लाह की। अब सच्चा है तो ठीक है, नहीं है तो बताओ अल्लाह इस 2 रुपये में बरकत देगा? ये 2 रुपये के लिए तूने अल्लाह की कसम। कितने लोग तो छोटे छोटे मामले में, अरे तू बोल तो मैं कुरान उठा लूँ, अरे कुरान कोई तेरे घर की किताब है कि कुरान उठा लूँ? मेरे दोस्तों ये बहुत बड़ा मामला। और कसम किसकी खाना चाहिए? ज़रूरत पड़े तो किसकी कसम खाना चाहिए? सिर्फ अल्लाह की। कहो कसम किसकी खाना चाहिए? सिर्फ कसम किसकी खाना चाहिए? अब हमारा तो अजीब गरीब मामला, कहेगा मैं तुझसे बहुत प्यार करता, तो वो कहेगी हट तू प्यार नहीं करता, कहा तेरी कसम बहुत प्यार करता, वो कौन आ गई तेरी कसम? और कभी कहेगा मेरी कसम, कभी कहेगा मेरी माँ की कसम, मेरे बाप की कसम, कहेगा मैं कसम खाता अगर बात सही तो ठीक है तो मेरी माँ मर जावे। अरे भाई ये माँ की कसम, बाप की कसम, मेरी कसम, तेरी कसम। और अभी हमने तो तरीके से, मैं 2 बच्चों को मैंने देखा, कुछ बातें चल रही थी तो पहला वाला कहता है ए तू झूठ बोलता, तो दूसरा कहता नहीं मक्का मदीना,
गले पे हाथ रखा, मक्का मदीना। ये कौन सी कसम है भाई मक्का मदीना? कसम तो सिर्फ किसकी? कसम किसकी? अरे कहो ना, कसम किसकी? और वो भी कब? जब जरूरत, चलते फिरते नहीं। माफ करना भाई, यहाँ भरूच के भाई बैठे हो, भरूच वाले होंगे यहाँ पे? होंगे शायद, यहाँ कोई उलमा होंगे भरूच वाले? लेकिन मैं भरूच में, मैं कंथारिया में था एक मरतबा, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ कसम का जो हक अदा करते वो जिब्रेल भी नहीं अदा करते हो। वहाँ मैंने देखा, वो कहा ओ मोशा कसम थी आओ थी। मैंने कहा वाह भाई, अल्लाह ने नुक्ते तीन तीन नुक्ते भी नहीं लगाए, तू तो तीन भी होते तो छः बना के जा रहा भाई उस पर। भाई कसम किसकी खानी? हाँ, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर सबसे पहले मैं मछली का मामला हल करता, लेकिन तू घर में कसम खा कर क्यों आया? पूरा करे तो ठीक है, वरना कफारा देना पड़ेगा। हजरत उमर ने फरमाया, सदकता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपने बिल्कुल सच कहा, मैं कसम खा कर आया, ये मेरी गलती हो गई। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर सुन ले, उमर सुन ले, तुमने तुम्हारी बीवियों ने सुबह से शाम तक मछली को पकाया, शाम से रात तक मछली को पकाया, उमर तूने भी मछली को पकाया, अबू बकर तूने भी मछली को पकाया, लेकिन मछली पकी? जोर से कहो, मछली पकी? हमारे नबी की आंखों में आंसू आए, फरमाया अबू बकर उमर, अगर जिब्राइल भी आ जाए और इस मछली को पकाए तो खुदा इसको पकने नहीं देगा। और फरमाया, जिब्राइल की क्या बात करते हो, अगर मैं भी इस मछली को पकाऊं अल्लाह इसको पकने नहीं देगा, इसको तपने नहीं देगा, इसको गर्म होने नहीं देगा। हजरत उमर ने फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये कौन सी मछली है जो आग में जलती भी नहीं और तपती भी नहीं, गर्म होती भी नहीं? हमारे नबी ने फरमाया, अब वजह बताई, कहो सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं, जोर से, इसी की वजह बहुत बड़ी है, सब कह दो सुभान अल्लाह, एक बार कह दो अल्लाहू अकबर। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर उमर, हादा हुआ समक, हादा हुआ, हजरते जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हादा हुआ समक, ये वो मछली जो गर्म न हुई, न तपी, न तली गई, न सेकी गई, न इसके ऊपर काला धब्बा, न इसके ऊपर काला निशान। हमारे नबी ने फरमाया, हादा हुआ समक, ये वो मछली है, अल्लदी युसल्ली अलैया फिल बहरी, ये वो मछली है जो समुंदर में तैरती थी और तैरते तैरते मुझ पर दरूद पढ़ा करती थी, जो समुंदर में तैरती थी और मुझ पर दरूद पढ़ा करती थी। कहो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों, मौलाना जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं, मौलाना जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मछली जो समंदर में तैरे और मुझ पर दरूद पड़े, अल्लाह ने इस पर दुनिया की आग को हराम कर दिया। अगर एक मछली दरूद पड़े, दुनिया की आग हराम हो जाए। ईमान से, अगर एक मछली दरूद पड़े, तैरते तैरते दरूद पड़े, उस पर दुनिया की आग हराम हो जाए। मेरे दोस्तों, मैं और आप काम करते करते दरूद पड़े, कसम अल्लाह की, जहन्नम की आग तो दूर, जहन्नम का धुआं भी हराम हो जाए। सही कि नहीं मेरे दोस्तों? एक मछली दरूद सुनना, एक मछली, फिर मैं कह रहा हूं, एक मछली दरूद पड़ी, दुनिया की आग, जोर से कहो दुनिया की आग, जोर से कहो दुनिया की आग। अगर दुनिया की आग एक मछली पर हराम होती है दरूद की वजह से, तो मैं और आप तो उसी नबी के नाम लेवा है, हम उसी के उम्मती है, हम उसी का कलमा पढ़ते हैं। अगर हम दरूद पढ़ेंगे तो हमारे ऊपर भी जहन्नम की आग हराम होगी कि नहीं होगी? और मेरे दोस्तों, दरूद पड़ेगा तो जहन्नम की आग हराम होगी, हालांकि दरूद बाहर की चीज, भाई दरूद बाहर की चीज, कहो ना दरूद, समझो इसको, दरूद पड़ेगा तो जहन्नम की आग हराम होगी, दरूद बाहर की चीज। और चेहरे पर दाढ़ी, चेहरे पर दाढ़ी, एक दरूद जो जुबान से निकलता है, बाहर हो जाता है, उस पर जहन्नम की आग हराम होती है। तो अगर नबी का चेहरा मेरे और आपके चेहरे पर आ जाए, तो बताओ जहन्नम हराम होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? तो इरादा करते हो दरूद पढ़ने का इंशाल्लाह? अरे भाई पढ़ेंगे इंशाल्लाह, दरूद पढ़ेंगे। एक मरतबा पढ़ लो, वही दरूद पढ़ लो जो हमने शुरू में पढ़ा, ताकि 11,000 का सवाब मिल जावे। भाई मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आली सलातन अंत लहा अगलुन व हुवा लहा अगलुन। अल्लाह दरूद पाक से हम सबको मोहब्बत नसीब फरमाए।
भाई पढ़ते रहेंगे ना दरूद पाक इंशाल्लाह। काफ़ी देर हो चुकी, मुझे तो बहुत सारी बातें बताना है भाई। अभी तो नौएमान का वाकया, जन्नत का वाकया, जिन्नत का वाकया, और एक बात अभी अभी मुझे ताज़ा ताज़ा आई कि हम लोग कितनी नमाज़ पढ़ते हैं, कितनी नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ों का सवाब तो सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? नमाज में रोज़ी है, नमाज में बरकत है, नमाज में रहमत है, नमाज में अल्लाह की रजामंदी। मैं तो ये बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, ऐसी अनोखी बात बताना चाहता हूँ कि इस अनोखी बात को बताने के बाद मैंने सूरत में बताई, कसम अल्लाह की मेरे दोस्तों कम से कम 50 आदमियों ने मुझको फ़ोन किया कि मौलाना ये नमाज पर हमने पहली बार सुना है, और मैंने क्या, मेरी बीवी बच्चों ने फैसला किया मर सकते लेकिन हमारी नमाज कभी कज़ा नहीं होगी। मैं वो बात भी नमाज पर बताना चाहता हूँ, लेकिन अब मेरे दोस्तों वक्त साथ नहीं देता, 12:30 के ऊपर वक्त हो गया, और मुझे तो ज़्यादा डर आपका और आपकी